सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त PUBG फैंस को परेशान कर रहा है वो है कि उनका ये फेवरेट गेम अनबैन होगा या फिर नहीं होगा, और अगर अनबैन होगा तो फिर कब होगा और इसमें कितना वक्त लगेगा। जितने भी लोग PUBG खेलते थे या फिर अभी भी खेल रहे हैं वो इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, क्योंकि भले ही PUBG अभी भी चल रहा हो लेकिन पता नहीं कब ये बंद हो जाए। टिकटॉक के केस में 2 दिन में सर्वर्स डाउन हो गए थे, ब्लॉक हो गए थे, लेकिन PUBG को बैन हुए 12 दिन हो गए हैं एंड गेम अभी भी चल रहा है। क्यों चल रहा है और ये कब तक चलता रहेगा, इस पर आपसे कल बात होगी, लेकिन आज उस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे जो इस वक्त हर PUBG प्लेयर की, हर PUBG फैन के लिए प्रायोरिटी बना हुआ है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको यही कहूंगा कि PUBG बैन पर जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स हम लोग आपके लिए लेके आ रहे हैं उन वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियोस हम लेकर आते रहें। ये वीडियो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि सोशल मीडिया पर, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो या फिर व्हाट्सएप हो, हर जगह ऐसे पोस्ट वायरल हो रहे हैं कि PUBG अनबैन डेट कंफर्म हो गई है और ये इस डेट को अनबैन हो जाएगा। साथ ही साथ कई ऐसे सस्पिशियस मैसेज भी लोगों को शेयर किए जा रहे हैं, सेंड किए जा रहे हैं, जिनमें एक लिंक दिया गया है। उस मैसेज में लिखा हुआ है कि अगर आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन में PUBG हमेशा चलता रहेगा। तो ऐसे सभी मैसेजेस और लिंक से आप दूर रहें, क्योंकि अगर आपने इन लिंक्स पर क्लिक कर दिया तो PUBG अनबैन हो या फिर नहीं हो लेकिन आपका बैंक अकाउंट जरूर जीरो हो जाएगा। चलिए अब आते हैं इस वीडियो की टॉपिक की तरफ। तो अगर आपको भी ये सवाल परेशान कर रहा है कि PUBG अनबैन कब होगा, तो यहाँ पर आप ये बात याद रखिए कि किसी भी ऐप को बैन या फिर अनबैन करने के लिए पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाता है। ये काम 1 दिन, 1 हफ्ते या फिर 15 दिन में नहीं होता। गवर्नमेंट जब किसी भी ऐप को बैन करती है तो एक कमेटी फॉर्म की जाती है जो पूरे प्रोसेस को देखती है। इसमें बैन ऑर्डर इशू किया जाता है, जिन ऐप्स को बैन किया जा रहा है उनको नोटिस भेजा जाता है, साथ ही ऐप स्टोर्स को भी नोटिस दिया जाता है ताकि बैन्ड ऐप्स वहाँ से ब्लॉक किए जाएं। इसके बाद बैन किए गए ऐप्स को अपनी बात रखने के लिए वक्त भी दिया जाता है। इसमें सरकार की तरफ से कुछ सवाल भी किए जाते हैं जिनका जवाब ऐप्स को देना होता है। टाइम फ्रेम होता है, एक डेडलाइन होती है, उसके अंदर अंदर सवाल के जवाब मांगे जाते हैं, और जब जवाब गवर्नमेंट को मिलता है इसके बाद ही आगे गवर्नमेंट कोई एक्शन लेती है। मींस इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, इसमें वक्त लगता है। तो आप भी इंतजार कीजिए, और जितने भी ऐसे मैसेजेस और वीडियोस आजकल वायरल हो रहे हैं जिनमें कहा जा रहा है कि PUBG का अनबैन होना कंफर्म हो गया है या फिर PUBG इस दिन अनबैन होगा, उन पर बिल्कुल भी बिलीव ना करें। अभी गवर्नमेंट ने PUBG को 70 क्वेश्चंस की एक लिस्ट भेजी है और उस पर अभी PUBG को जवाब देना बाकी है। PUBG के आंसर के बाद ही गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि आगे क्या होना है। और ऐसा भी नहीं होता कि PUBG ने गवर्नमेंट को आंसर भेजा और अगले 1-2 दिन में बैन या अनबैन पर कोई अपडेट आ गया। उस जवाब को एनालाइज किया जाता है, कमेटी चेक करती है कि क्या जो बातें पूछी गई थी उनको ऐप ने सही से एड्रेस किया है या फिर नहीं किया, और इस पूरे प्रोसेस में कई महीने तक लग जाते हैं। तो PUBG से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं ये तो आप ज़रूर चेक करते रहें, हर दिन चेक करते रहें, लेकिन ये उम्मीद ना रखें कि 1 या 2 हफ्ते में गवर्नमेंट इस पर कोई डिसीजन ले लेगी। आफ्टर ऑल इट्स अ सीरियस इशू एंड इट्स अबाउट नेशनल सिक्योरिटी। तो आपका ये जो इंतज़ार है थोड़ा लंबा खिंच सकता है, लंबा जा सकता है, इस पर आप जल्दी कोई डिसीजन की उम्मीद ना करें। आज के लिए बस इतना ही, और दूसरी टेक रिलेटेड वीडियोस के लिए आप एबीपी लाइव ऐप को डाउनलोड करें और वहां पर जाकर एबीपी अनकट सेक्शन में टेक टॉक की वीडियो जरूर देखें। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।